दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज और एक टेक न्यूज़ का वीडियो आपके लिए लेके चला आया हूँ। फिलहाल टेक न्यूज़ का वीडियो मैं ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही कम बजट में जो फ़ोन, जितना भी फ़ोन है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट में जितना भी फ़ोन है, उन सबका रिव्यू करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए डेली मैं टेक न्यूज़ अब तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को ज़रूर एक बार सपोर्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं टेक न्यूज़ के वीडियो में। तो पहला जो अपडेट है वो आप लोगों ने सुन लिया होगा दोस्तों, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A41 के लॉन्च को लेकर, जो कि 8 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट पे दोस्तों। 6000 mAh बैटरी के साथ ये आता है और इसमें आपको मिलेगा 6GB रैम दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इन्फिनिटी यू कार्ड डिस्प्ले इसमें आपको दिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका प्राइस की बात किया जाए तो इसका प्राइस का कोई भी अभी जिक्र नहीं किया गया है, तो देखते हैं आगे कितना प्राइस में 8 अक्टूबर को लॉन्च होकर बिकता है। ठीक है, और दोस्तों जो दूसरा अपडेट है, LG काम शुरू कर दिया है LG W11 Alpha को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि LG का W10 Alpha जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों में ही अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप लोग एक बेस्ट चॉइस फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो उस फ़ोन को ज़रूर खरीद सकते हो। उसमें आपको 3GB रैम के साथ साथ बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाएगा, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाएगा। और LG का स्मार्टफोन है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा है। और LG ने W11 पे काम शुरू कर दिया, जिसमें आपको मिल जाएगा मीडियाटेक हेलो P22 वाला प्रोसेसर दोस्तों, और इसमें भी 3GB रैम दिया जाएगा दोस्तों। देखते आगे लॉन्च कब होता है इसका। ठीक है, तो OnePlus 8 की बात किया जाए तो दोस्तों, इस फ़ोन के लिए शायद बहुत लोग वेट कर रहा है या फिर वेट नहीं भी कर रहा है, लेकिन इसका जो प्राइस निकल के दोस्तों आया है वो बहुत ही हाई है दोस्तों। ठीक है, इसका प्राइस निकल के आया है शायद करीब 60,000 rupees, इतना प्राइस इसका निकल के आया है। 60,000 से 50,000 rupees के अंदर इसका प्राइस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और इसका छोटा सा टीजर आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पे भी आप लोग सर्च करके मेरे को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसकी क्लिक करके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और जानकारी भी पा सकते हैं। तो यूट्यूब पे मैं ये पिक्चर नहीं दिखा सकता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर में मेरे अकाउंट पे जाके आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अमेज़ॉन पे जाके भी आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। जो फास्ट लुक तो नहीं, थोड़ा सा टीज किया गया है दोस्तों। ठीक है, OnePlus 8 5G। ठीक है, तो इसका क्विज भी चल रहा है कि अगर आप लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको प्राइज भी मिल सकता है दोस्तों। तो जाइए जाके क्विज में पार्टिसिपेट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको शायद दिया जाएगा OnePlus 8T 5G में आपको दिया जा सकता है 12GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज, और एक निकलेगा 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं 14 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है OnePlus 8T 5G कैसा होता है, देखते हैं। ठीक है, और बात की जाए कि नोकिया ने 2 फ़ोन नया लॉन्च कर दिया है, जो कि देखने में तो मेरे को बहुत ही पसंद आया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक है दोस्तों दोनों ही फ़ोन का, और मेरे को तो बहुत ही पसंद आया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, शायद मिलेगा। ठीक है, HD+ डिस्प्ले इसमें आपको दिया गया है दोस्तों, और इसमें आपको प्रोसेसर है मीडियाटेक हेलो P22 प्रोसेसर, इसमें आपको मिल जाता है 13 MP और 5 MP का कैमरा मिल जाता है, 2GB रैम के साथ आता है, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है, और एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाता है। यह था नोकिया 2.4 का डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं नोकिया 3.4 का डिटेल्स में दोस्तों। तो नोकिया 3.4 की बात किया जाए तो दोस्तों, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा अच्छा फीचर्स दिया गया है, जो कि अच्छा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको 6.39 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है एंड्रॉयड 10 के सपोर्ट के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 इसमें दिया गया है, और 3GB और 4GB रैम के साथ आता है, 13 MP और 5 MP और 2 MP, मतलब ट्रिपल कैमरा के साथ आता है दोस्तों नोकिया 3.4 दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और फ्रंट कैमरा जो दिया गया है वो था 8 MP का दोस्तों। ठीक, और 4000 mAh बैटरी के साथ दोस्तों। तो देखते हैं इंडिया में कब तक लॉन्च होता है ये स्मार्टफोन। और भी जानने के लिए नोकिया का यूट्यूब चैनल या फिर नोकिया में ट्विटर
नोकिया आप लोग सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम, उस जगह पे पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने से शेयर भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी पाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है, इसलिए वीडियो कम हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और कम प्राइस पे जो जो मोबाइल होता है उनका रिव्यू सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों, क्योंकि रिव्यू तो मैं ही करता हूँ और एकदम सामना सामने रिव्यू करता हूँ, किसी का तरह पीछे करके रिव्यू मैं नहीं करता हूँ कि स्क्रीन चल रहा है और रिव्यू कर दिया, ऐसा रिव्यू मैं नहीं करता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं करता हूँ लेकिन इस चैनल पर नहीं करता हूँ, वो मेरा एक अलग चैनल चैनल है, उस पर मैं रिव्यू करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक सूचना है कि आप लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से बाहर निकालिए और मास्क पहन के ज़रूर बाहर निकालिए। ठीक है, कि ये मेरा सर्दी जुकाम जो हुआ है वो बारिश में थोड़ा सा भीगने से हुआ है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर भी थोड़ा सेफ्टी का मामला है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा भेंट बोल दिया, वीडियो में कोई गलती कर दिया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा।